यज्ञाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदाम्बिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधरसुधापानशालिने वनमालिने महाभावस्वरूपास्त्वं कृष्णप्रियवरीयसि प्रेमभक्ति प्रदे देवे श्रीराधिका त्वं नमोस्तुते। हरे कृष्ण। तो जैसे कि हम दामोदर अष्टक पे चर्चा कर रहे हैं, तो कल हमने पहले श्लोक के कुछ पंक्तियों पे चर्चा की कि नमामीश्वरम सचिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भजमानम यशोधाखिया लोकुर आधगमानम परामृष्टम अत्यंत दोधृत्य गोप्यः। ये एक श्लोक में ही हम देखते हैं कि पूरी जो उखलबंद लीला है उसका वर्णन किया गया है। तो कल हम पहुंचे थे कि लाला ओखल के ऊपर बैठा हुआ है, पहले तो खुद माखन खा लिया और खाने के पश्चात फिर जब खुद का पेट भर गया तो उठ के खड़ा हो गया और बंदरों को भी खिलाना चाहूंगा, पेड़ों से बंदर नीचे उतरे और उन्होंने भी खा लिया, उनका भी पेट भर गया, फिर कौवे आदि पंछी भी वहां पे थे। और यहां पे मैया भगवान को ढूंढते 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 बाहर आ गई, आंगन में देखा कि ये माखन के कक्ष के पीछे एक ओखली के ऊपर बैठा हुआ है और खड़ा हुआ है और अपने हाथों से बंदरों को भी खिला रहा है। और जैसे ही बंदरों ने माता को देखा तो सारे पंछी और बंदर छुमंदर हो गए, सारे के सारे उड़े। लेकिन उसी समय लाला भी बहुत सजग था, लाला देख रहा था कि कहीं मैया ना आ जाए, इसलिए यहां वहां ताक भी रहा था। लेकिन अचानक से उसने देखा कि सारे बंदर और ये भाग गए, तो उसने सोच लिया कि मैया पीछे है और शीघ्रता से उसने छठ से ओखले से कूद कर वो राजमार्ग की ओर भागने लगे। राजमार्ग की ओर क्यों भागने लगे? तो उन्हें मालूम था कि राजमार्ग पे मैया नहीं आएगी, क्योंकि मैया घर से बाहर वैसे ज्यादा निकलती नहीं थी। लेकिन लाला को ये मालूम नहीं था कि आज राजमार्ग पूरा सुनसान है, क्योंकि सारे लोग इंद्र पूजा के लिए निकल गए, राजमार्ग पे कोई नहीं है। तो मैया बिना झिझक राजमार्ग पे आ गई और दौड़ने लगे उसके पीछे। एक तो मैया की आयु ज्यादा थी और उसमें उनका शरीर भी बहुत स्थूल था, और उनके श्यामल अंग पर रेशम के वस्त्र फहरा रहे थे, केश में सुंदर सुगंधित पुष्प थे। और मैया के द्रुत गति से दौड़ने पर वेणी से पुष्प गिरने लगे, मानो पुष्प कह रहे हैं मैया तू अकेली नहीं है, हम भी तेरा साथ दे रहे हैं, छठ पकड़ लो लाला को। कृष्ण के दौड़ने की गति से मैया के दौड़ने की गति तीव्र है और उसी तीव्र गति से मैया ने कृष्ण के पृष्ठभाग को पकड़ लिया। यहां पे आचार्यों की बहुत सुंदर से टीका है और हमारे आचार्य बताते हैं कि मां का प्रयास क्या है जो भगवान को पकड़ रही है,
क्या कर रही है वो, किस प्रकार से। वे यहां पे बताते हैं कि यतो वाचा निवर्तते अप्राप्य मनसा सा। श्रुतियों में कहा गया है अरे जिनको पकड़ने के लिए यतो वाचा निवर्तन्ते वाणी और मन के द्वारा भी जो पकड़ने के लिए असंभव है, अप्राप्य अप्राप्य है। और विशेष करके श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि माया मैया वो प्रयत्न कर रही है कि योग्यम योगिना मनोपिया अयम नापतम, कि अपने मनोबल से योगी भी भगवान को पकड़ नहीं सकते हैं। ऐसे लाला को कौन पकड़ रही है? मैया पकड़ रही है, यशोदा मैया पकड़ रही है। इसके पीछे कारण क्या है, क्यों उनको पकड़ रही है? क्योंकि उनका वो जो अतिशय प्रेम है भगवान के ऊपर, उस प्रेम के कारण वो भगवान को अपने वशीभूत कर रही है। हालांकि भगवान को ऐश्वर्यमय सेवा से हम प्रसन्न तो कर सकते हैं लेकिन वशीभूत नहीं कर सकते, क्योंकि ऐश्वर्य मिश्रित प्रेम उसके द्वारा भगवंत निश्चित प्रसन्न होंगे आपके ऊपर। लेकिन व्रजवासियों के पास जो एक स्वाभाविक प्रेम है भगवान के लिए, और उस प्रेम के कारण भगवान उनके वशीभूत हो जाते हैं। इतना ही क्या, व्रज में भगवान अपनी भगवत्ता ही भूल जाते हैं। हाँ, केवल जब कोई असुर आते हैं तो उनको मारने के लिए अपनी भगवत्ता प्रकट करते हैं, लेकिन ब्रजवासियों के सामने, विशेष करके ना मैया के सामने, गोपियों के सामने, अपने सखाओं के सामने, नंद बाबा के सामने कभी अपनी भगवत्ता प्रकट नहीं करते। और हम कई बार देखते हैं कि जैसे मधुमंगल के मुंह में से छाछ निकाल के पी लेते। हम भगवान को भोग लगाने के लिए शुद्धता के कितने सारे नियम पालन करते हैं, खास करके पुजारी अगर कुछ मुंह में ग्रहण कर लेता है, कुछ खा लेता है, तो उसको वो वस्त्र पहन के वो भगवान की सेवा नहीं कर सकता, बल्कि वस्त्र बदलने पड़ते, फिर नहाना पड़ता है। और वही भगवान किसी अपने मित्र के मुंह से छाछ निकाल के पी लेते हैं। आप सोचिए, ये भगवान की ब्रज में लीला है, नर लीला। जैसे हमने कल देखा कि भगवान श्री कृष्ण की नर लीलाएं जो है वो सबसे आकर्षक है। हाँ, रामचंद्र जी भी उनकी नर लीला है, लेकिन विशेष करके जब वे श्री कृष्ण स्वयं जब आते हैं और वृंदावन में जो नर लीलाएं करते हैं वे सबसे आकर्षित करने वाली है। क्योंकि अगर हमें भगवान श्री कृष्ण को पाना है तो श्री कृष्ण के प्रति हमारा जो प्रेम है वह श्री कृष्ण के प्रेम से अधिक होना चाहिए, तभी श्री कृष्ण को वशीभूत किया जा सकता है। और उसके लिए क्या होना चाहिए फिर? तन काया वाचा और मनहा हमें पूरी तरह से एक होने चाहिए, एक ही कार्य उनके द्वारा होना चाहिए। जैसे माता यशोदा कर रही थी, जब मैया सुबह सुबह दधि मंथन कर रही थी, अपनी काया से भगवान की सेवा में लगी थी, वो भगवान के लिए दही का मंथन कर रही थी। मन में भगवान ने आज तक जो लीलाएं की है ब्रज में उनका चिंतन चल रहा था, और वाचा के द्वारा उनका गान कर रही थी। तो अगर कोई भक्त मन वाचा और शरीर के द्वारा जब भगवान की सेवा में पूरी तरह से लग जाए तो आपको क्या लगता है, भगवान नहीं आएंगे? उसके वशीभूत हो जाते हैं। तो लाला जैसे शैया पे से उठ गया और चिल्लाने लगा माँ 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 करके, अपने आंखों को मलने लगा, जैसे कोई भी साधारण
बालक जब बिस्तर से उठता है तो या शैया से उठता है तो पहले नींद में से आंखें खोलते हैं, उसको अपनी माँ सामने होनी चाहिए। तो यही नरवत लीला यहाँ पे भगवान कर रहे हैं। एक सामान्य बालक की तरह बिस्तर में से उठ के बैठ गए और इधर उधर देख के माँ 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 करके रोना शुरू कर दिया। मात्र 2 वर्ष की आयु थी भगवान की, और उस 2 वर्ष में इतनी सुंदर लीला थी कि वे मैया को ढूंढते हुए अपने शैया कक्ष से बाहर आए, शयन कक्ष से, और ढूंढने लगे मैया को। देखा तो मैया बैठी है वहां पे, और मैया इतनी एकाग्र हो गई थी। देखिए इससे हमें मालूम पड़ता है कि भगवान को क्या खींच लेता है। भगवान स्वयं भगवान कहते हैं पद्म पुराण में नारद जी को, नाहम वसामि वैकुंठे योगे नाम हृदय शुनवा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कि नारद मैं वहां पे वास करता हूं जहां पे मेरे लीलाओं का गुणगान मेरे भक्त करते हैं। और सोचिए मैया यशोदा इतनी तन्मयता से भगवान के नाम गुण लीलाओं का वर्णन अपने वाणी से कर रही है और अपने शरीर से उनकी सेवा में लगी हुई है, तो क्या भगवान उठ के नहीं आएंगे वहां पर? लाला पहुंच गए क्योंकि वे मैया के प्रेम के कारण वशीभूत हो गए थे मैया से, तो पहुंच गए वहां। और कैसे पकड़े गए? इसलिए पकड़े गए क्योंकि मैया यहां पे भगवान को अपना पुत्र मानती है, यहां पे उनको भगवान नहीं मानती बल्कि भगवान को अपना पुत्र मानती है। और पुत्र मानने के कारण उनके ऊपर उसका अधिकार बन जाता है क्योंकि भगवान ब्रज में एक सेवक के रूप में है और ब्रजवासी सेव्य के रूप में है। उनकी सेवा करने में भगवान को प्रसन्नता आनंद प्राप्त होता है। अब देखिए यह है ब्रज की लीला। यहां किसी भी प्रकार से भगवान अपनी भगवत्ता नहीं दिखाते, इसीलिए रसखान बोलते हैं कि ब्रज की छैया नाच नचाए कृष्ण को छाछ के लिए, कि ब्रज की गोपियां जो है वे कृष्ण को छाछ के लिए नाच नचा देती है और भगवान नाचते भी है उनके लिए। तो आप सोचो कि जिनके भय से वायु बहती है, इस ब्रह्मांड के बड़े बड़े नियंत्रक उनके आदेश से उनके केवल संकल्प से कार्य करते हैं और वे भगवान ब्रज में गोपियों के सामने मुट्ठी भर माखन के लिए नाच नाचते। क्योंकि ब्रज में ब्रजवासी जन सेव्य है तथा श्री कृष्ण सेवक है और वे गोपियों के कहने पर नृत्य करते हैं, बाबा नंद की ज्योति सर पर रखकर लाते हैं और योग माया के द्वारा अपनी भगवत्ता को भूलकर नरवत लीला कर रहे हैं और इसी को ही माधुर्य लीला कहते हैं। श्री कृष्ण की ब्रज लीला है ऐश्वर्य से परिपूर्णतम है किंतु ब्रजवासियों का प्रेम उनसे शिथिल नहीं होता बल्कि उनके प्रेम का नवीनीकरण मधुर से सुमधुर बना रहता है। यही ब्रज प्रेम का वैशिष्ट्य है और साधक को भी ऐसी साधना करनी चाहिए जिससे देखकर श्री कृष्ण का हृदय द्रवित हो तथा वे अधिक प्रतीक्षा न कर सके और भक्त को अपने हृदय से लगाकर अपनी सेवा में निमज्जित करते हैं। अगर भगवान को अपना बनाना है तो इतना प्रेम करना चाहिए उनसे कि उसके कारण वे वशीभूत हो। जैसे मैया यहां पे दौड़ रही है उनके पीछे और श्रुतियां कहती कि अरे अवाक मनसो अगोचर, वाणी मन के द्वारा ये अगोचर इनको जाना नहीं जा सकता। अब अप्राप्य मनसा सह
वाचा और मन के द्वारा जिनको पकड़ा नहीं जा सकता या बांधा नहीं जा सकता, उनको मैया यशोदा ने पकड़ लिया। कैसे पकड़ लिया? उसके टीका में लिखते हैं कि जब मैया दौड़ रही थी दौड़ रही थी दौड़ रही थी और बोल रही थी, अरे चोर कहां भाग रहा है तू, मैं कुछ इससे पढ़ना चाहूंगा, अभी थोड़ा ध्यान देके सुनिए, क्योंकि बहुत सुंदर रूप से गोपाल चंपू में भगवान के इस लीला का वर्णन किया गया है। वे कहते हैं एक सुंदर वार्तालाप दिया है, हाँ यहां पे बताते हैं, बल से गर्वित चोरी करने वाले पुत्र को पकड़ने के लिए श्री यशोदा मां गुप्त रूप से चल दिए। श्री कृष्ण भी माता को दूर से ही देखकर दौड़ पड़े। लोक में यह बात प्रसिद्ध है कि चोर के सैकड़ों नेत्र होते हैं तथा धन की रक्षा करने वाले के दो ही नेत्र होते हैं, अर्थात घर का स्वामी दो नेत्र से ही धन की रक्षा करता है, किंतु चोर उसको सैकड़ों नेत्रों से देखकर चुरा लेता है। बल से गर्वित वह वानर भी माखन खाकर तृप्त हो गया। पश्चात वस्त्र से वेष्टित एक लठिया को हाथ में लेकर आती हुई यशोदा मैया को देखकर शीघ्र ही वृक्ष की शाखा पर चढ़ गया। तदनंतर दौड़ते हुए पुत्र के पीछे पीछे माता भी दौड़ पड़ी और दौड़ते समय उनके केशपाशों से पुष्प की वृष्टि का विस्तार होने लगा और बोली कि अरे चोरराज तू कहां जा रहा है। यह बात सुनकर अत्यंत अप्रकट रोने से एवं हंसी के द्वारा बालक का सौंदर्य और बढ़ गया। ऐसे अपने बालों को पकड़ने के लिए शीघ्रता पूर्वक पास में होकर दौड़ती हुई भी माता दौड़ते हुए पुत्र को न प्राप्त कर सकी। तो उसका दृष्टांत यह है कि पश्चिम दिशा में रहने वाली मेघ पंक्ति जैसे वायु के वेग से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए छोटे से मेघ को भी प्राप्त नहीं कर सकती, उसी प्रकार माता भी पुत्र को न पकड़ सकी। तदनंतर राजमार्ग पे भगवान दौड़ पड़े और राजमार्ग माता के जाने का मार्ग नहीं था और यही भावना को जानकर भगवान उसी दिशा को पकड़ के दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन माता तो उसके पीछे पीछे चली गई। और फिर माता ने अति तीव्रता से जाके उसको पीछे से पकड़ लिया और फिर पकड़ने के बाद लाला ने रोना शुरू कर दिया। उसका शरीर कांपने लगा और फिर मां से बोलने लगा कि मां मत करो, ये छड़ी छोड़ दो, मैं ऐसा वापस नहीं करूंगा, मैंने अपराध किया है। स्वयं भगवान ने भी मान लिया कि मैंने अपराध किया और माता कुंती भी बोलती है उनकी प्रार्थना में कि तुम्हारा वो जो रूप है जो मटकी को फोड़ने के पश्चात जो अपराध के कारण मैया ने आपको जब पकड़ा था, वो जो आपका सुंदर रूप है वो बहुत ही वांछनीय है। और फिर मैया ने क्या किया, दाहिना हाथ पकड़ लिया और बालक को अपने
हठपूर्वक अपने मुख के सम्मुख किए। और फिर माता उनको डराते हुए बोले, हाँ बड़े कष्ट की बात है, अरे कृष्ण तुम यदि घर में ही चोरी करना चाहते हो तब तो मेरे हाथ में धरी हुई लठिया को जरा देख लो। यह बात सुनकर कमल से नेत्रों वाले अपने पुत्र के भय से व्याकुल हो जाने पर श्री ब्रजरानी ने उस लठिया को त्याग दिया। ये कौन सी लठिया थी आपको मालूम है? भगवान का जब द्वितीय जन्मोत्सव हुआ तो उस समय नंदा बाबा ने लाला के लिए एक मणिमय यष्टि लाके दे दी थी, उसी को ही माता ने पकड़ लिया था। बोली इसी से तेरी पिटाई करूंगी, घर में चोरी करता है। लेकिन लाला को डरा हुआ देखकर मैया ने वो छड़ी का त्याग कर दिया। और उसी समय भगवान अपनी कातर स्वर में बोले, मैया तू मुझे मारना नहीं। माता बोली, तू चोर है, तू चोर है। और मन में मैया हंस रही थी, लेकिन हठात उसकी प्रताड़ना करते हुए बोल रही थी, ओ अरे तू सभी चोरों का राजा है। तो माता की ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण बोले, मैया चोर तो तुम्हारे पिता के गोत्र में उत्पन्न होने वाले हैं, हमारे घर में चोरों का क्या काम? माखन चोरी करने वाले अपने बालक के साथ माता ने इस प्रकार का कथनोपतन किया। और फिर माता बोली, क्या रे यह दही की चलावनी जो दही भांड कैसे फूट गई? तो लाला ने उसका उत्तर दिया, यह तो परमेश्वर का दिया दंड है माता। तो यशोदा मैया बोली, बंदर के लिए घी किसने दिया? तो लाला बोला, जिसने इसको वानर बनाया। फिर माता बोली, मैं तो यही शंका करती हूं कि यज्ञ के अंग स्वरूप इस ताजे ताजे माखन को तू ही सर्वदा स्वाद लेकर खा जाता है। इस प्रकार चोर की तरह शिशु के प्रति फटकार लगाते हुए भी माता अंत में आर्द्र चित्त थी। फिर माता ने क्रोध पूर्वक हंसकर कहा, अब ये देखिए कैसे क्रोधित भी और हंस भी रही है, अपने रहस्य को कहो एवं दंभ को त्याग दो। माता के इस प्रकार पूछने पर नेत्रों से रोना आरंभ कर पुत्र ने कहा, देख मैया जिस समय तू दूध को उतारने के लिए हड़बड़ा के अत्यंत वेग से दौड़ी थी उसी समय तेरे दोनों चरणों के कड़ुलाओं के संघर्ष से अर्थात टक्कर से यह दधी के भांड का घड़ा अर्ध चले से भी यह चलावनी फूट गई। इसमें मेरी क्या दुष्टता है? ये मेरे कारण थोड़ी टूटा है, ये तुम्हारे कारण ही टूटा है। और ईश्वर के द्वारा प्रेरित वह बंदर चोरी करने के लिए घर में आ धसा, जब वह माखन को खींचने लगा तब मैंने उसको पकड़ लिया। अब तू ही बता इसमें मेरी कौन सी दुष्टता है? तो भी मैं तुझको लठिया लिए देखकर चोर की तरह दौड़ पड़ा, किंतु मुझको भयभीत देखकर भी वृथा ही निर्दयता पूर्वक तुम मेरे पीछे दौड़ रही है। तो माता ने बोला, अरे बातों की युक्ति भिड़ाने वाले में श्रेष्ठ हो तुम, अरे चोरों के उत्तम तू नरों में श्रेष्ठ व्रजराज का पुत्र है, और उनका पुत्र होने के पश्चात भी तू वानर प्रिय है, वानरों से प्यार करता है, अतः तू वानरों के स्वभाव वाला है। तो लाला को भी थोड़ा गुस्सा आ गया और फिर बोला, गुस्सा भी आया और डर भी लग रहा था। तो देखिए ये लीला में भगवान के इतने विचित्र गुण और विचित्र
क्या कह सकते हैं हम उसको, उनकी एक विचित्र लीला माधुरी इसमें प्रकट होती है। एक तो नित्य सत्य संकल्प है, वही झूठ बोल रहे हम्म, जो आप तक काम है उनको भूख भी लगती है, तो भूख के कारण चोरी भी करते हैं, सत्य संकल्प होने के पश्चात भी झूठ बोलते हैं, ये सब किस लिए? पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, वहां पे कहते हैं मद भक्त विनोदार्थम करोति विविध ही लीला, मेरे भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए मैं यह अलग अलग लीलाएं करती हूं। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा गया है, प्रभु रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम है, क्योंकि उनकी हर लीला के लिए मर्यादा है। और श्री कृष्ण की लीलाएं जो है, जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाएं करते हैं तो वे हर मर्यादा है, किसी भी प्रकार की उनको मर्यादा नहीं रहती। आप सोचिए 2 वर्ष का बालक है और जो तर्क अपने माता के सामने वो प्रकट कर रहे हैं, वो 2 वर्ष के बालक के तर्क हो ही नहीं सकते। 2 वर्ष का बालक क्या कितना बोल सकता है, कितनी बुद्धि लगा सकता है। जैसे यहां पे बोलते हैं कि अरे मैंने तो नहीं फोड़ा, वो तो तुम्हारे ही पैर से गलती से वो मथनी लग गई और टूट गया और तुम्हें भी ध्यान नहीं है उसका, मैंने अपराध खुद किया और माता के सर पे उसको फोड़ दिया कि आपने ही किया करके, मैंने कुछ नहीं किया, इसमें मेरी क्या दुष्टता है। बंदरों को खुद बांट रहे हैं, मैया देख भी रही है और मैया को ही समझा रही, अरे नहीं मैं बांट नहीं रहा था, मैं बल्कि खींच रहा था उसके हाथ से, दे रहे और बोलते कि खींच रहा था उसके हाथ से। तो जो सत्य काम होने के पश्चात भी झूठ बोलते हैं किस लिए? तो मैया को आनंद दे। और पकड़े भी कैसे गए? सारी गोपियां देख रही थी, उलाहना दे रही थी कि देख हमारे घर में चोरी किया था, अभी तुम्हारे घर में ही चोरी किया, अपने ही घर में पकड़ ले उसको, अभी इतने समय से हम तुम्हें बता रहे थे लेकिन तुमने कभी हमारा माना नहीं, लेकिन आज देखो तुम्हारे बच्चा तुम्हारे घर में ही चोरी करके जा रहा है। तो मैया उनकी तरफ देखी भी नहीं, वो दौड़ रही थी लाला के पीछे। और वृद्धावस्था के कारण जब मैया के शरीर पूरा पसीने से लथपथ हो गया, तो लाला ने सोचा कि अभी मुझे रुकना चाहिए, और फिर मैया के वे हाथ लगे। हालांकि जिनको वाचा और मन के द्वारा भी पकड़ना मुश्किल है, वे माता के द्वारा पकड़े गए, क्योंकि माता का जो प्रेम है वो उनसे भी ज्यादा है भगवान के प्रति, और उसी प्रेम के कारण वशीभूत होके मैया ने लाला को पकड़ लिया। और दूसरा कोई भी तरीका नहीं है या विधि नहीं है कि जिसके द्वारा हम भगवान को पकड़ सके, केवल और केवल एक ही, और वो है प्रेम। इस प्रेम के द्वारा ही भगवान हम पकड़ सकते हैं। और फिर वर्णन आता है कि लाला को जो पकड़ ही लिया है, और पकड़ने के बाद लाला ने इतने सारे तर्क भी दिए, और अंत में माता को डराने के लिए, अभी स्वयं तो डरे हुए हैं, यशोदा भिया लोक, यशोदा को डर के भाग रहे हैं, और भीतहा डरे हुए हैं, डरे हुए जैसे लग रहे हैं, वे माता जी को डराने के लिए क्या बोलते हैं कि देखो अगर तुम मुझे वानर प्रिय कहती हो तो मैं वानरों के जैसा जंगल में जाकर ही रहूंगा। फिर तो मैया तुरंत सोचने लगी कि ये सही में सचमुच कहीं भाग न जाए जंगल में, फिर इसको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, उससे अच्छा है कि मैं इसे बांध ही दूं। और फिर मैया ने अपने वेणी में से एक रेशमी रस्सी निकाली जो वेणी को बांधने की होती है, और उससे उसको बांधने का प्रयास किया। जब उन्होंने वो रस्सी उसको बांधने के लिए लगा दी तो हुआ क्या, 2 उंगली वो कम पड़ गई। तो आचार्य ने इसके पीछे बहुत ही सुंदर कारण बताया गया कि 2 उंगलियां ही क्यों,
ऐसा क्या है कि उन दो उंगलियों के कारण ही, या वो दो उंगलियों का ही अंतर क्यों रहा? तो उसकी चर्चा हम कल के प्रवचन में करेंगे और विस्तार पूर्वक उसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो दामोदर अष्टकम है, इसका नित्य पाठ हमें करना चाहिए, क्योंकि जैसे हमने कल देखा था कि महाप्रभु बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की इस लीलाओं में सर्वोत्तम लीला अगर कोई है तो वो है नर लीला। और ये जो नर लीला है ये इसलिए सर्वोत्तम है क्योंकि इसमें भगवान अपनी भगवत्ता भूल जाते हैं। कृष्णेर जतक खेला सर्वोत्तम नरलीला, नरवपु तहार स्वरूप गोपवेश वेणुकर नव किशोर नटवर नरलीला हय अनुरूप। सर्वोत्तम भगवान की नरलीला है, क्योंकि इस नरलीला में भगवान अपनी भगवत्ता को भूलकर खुद सेवक बनते हैं और अपने भक्त को सेव्य बनाते हैं, यानी भगवान भक्त की सेवा करते हैं उसके प्रेम के वशीभूत होकर। तो कल के प्रवचन में हम देखेंगे कि किस प्रकार से अपने प्रेम के कारण मैया उनको बांध दी जो जिनके नाम स्मरण मात्र से, जिनके लीला चिंतन से ही व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है, इस संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है, उस भगवान को मैया बांध दी। तो कल हम जो द्वितीय श्लोक है इस अष्टकम का, जिसमें वर्णन आता है कि किस प्रकार से मैया ने पकड़ने के पश्चात भगवान ने अपना भय माता के सामने प्रकट किया और फिर मैया ने उनको कैसे बांधा, उसका वर्णन उसमें। हरे कृष्ण, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की।